खाया के मैं खटका लग्या तेरे नाम का बिना खटक कुछ नहीं बनता महाराज जिस बालक है फौज में लागण की खटक पुलिस में लागण की खटक 3 बजे खड़े होले हैं आर घूम फिर कर ना धोखे 4 बजे 4:30 सड़क पर जालेगा दौड़ मानते बिना खटक कुछ नहीं बनता अरे भाई क्या है कि खटक हो किसी के जमा बिना डबड़ी डोली का बिना पड़े कुछ भी ना पटबोड़ा सा आजकल तो सिपाही का भी रिश्ता कोई नहीं होता उसका खटक हो है निबलाना जरूर होगा भैया जरूर होगा उसके भी कोई ना कोई खटक है धन्ना जाट के खटक दी भगवान की पत्थर की मूर्ति पानी बतरिया दी ठीक है नी तो खटक बिना बात नहीं बनती और हमारे गुरु जी खटक थी बाबा की जी मां जी मेरे गुरु जी महाराज 8 लड़की थी किसी ने कह दिया जी बोला रहे नारायण तू खाटू में चला जाए खाटू में तो कोई खाली नहीं आया तो एक बेटा भगवान तने जरूर देगा हमारे गुरु जी हमारी गुरु माता दोनों चले गए श्याम ने कीर्तन हो रहा है ऐसे जैसे आप कीर्तन करा उड़े बिना साउंड के ऐसे दादा गुरु आलू सिंह श्याम भवन में कीर्तन करे कर दे कीर्तन करते करते मेरा निके मनमाई निबलारा कोई भाई रो तक जी लाते है मुरारी आ रहा हो हरियाणा का पहले तो गुरु जी उठे कोने निबला के मेरा कोई और भी हो नाम भी मिल जाए करे इसकी कोई जैन का हो जब कोई नहीं उठा निबला भाई समझाना है गांव का है आज फिर गुरु जी उठे गल्ले मारी गुरु माता आलू सिंह के पास गए हाँ भाई भगत बोल के लेना आया खाटू में निबला गुरु जी 8 छोरी है एक कोथली ढोण का भी दे दे एक उड़कण तो हो बिना भाई की बहन ठीक नहीं होती अच्छा दादा गुरु ने बताते हैं श्याम बाबा की तस्वीर क्या कहती एक फूल उठाया माथा का लगाया और टेक है बाबा श्याम के चरणों में माथा दादा गुरु ने आंख मीच कर गुरुजिया का निन्यू हाथ कर दिया लबे जोड़े कर ले एक बेटा एक के मिलेगा लो गुरुजिया ने जोड़ी तो कर ली लेकिन जब दादा गुरु का लखाया विकराल रूप इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंख जबकि वो आंखें बंद करे खड़े हैं लेकिन गुरु जी ने कुछ हो रहे दिखे देखे गए एक बार तो डरे लेकिन देखे गए आहिस्ता आहिस्ता जो लगे जो भगवान श्याम है रूप बदल गया जब देख नहीं सके डर के गुरु जी पैरों की खुंची भर ली टांगा में पड़ी गए पिंडी दो ही पकड़ ली हर दादा गुरु ने बोला भाई भगत छोड़ दे अर ले जो चीज तने मांगी तने मिल रही है ले ले निबला मैंने नहीं चाहिए और निबला मैंने तो ही चाहिए मैंने तो तू ही चाहिए निबला भाई जबान हुई थी बेटा की बदला मत है निबला ना जी मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं खटक की बात बताता हूं तो दादा गुरु ने बोले तने बेरा है मेरा गला और कौन कौन चल लेंगे मैं इकला नहीं जाता कहीं भी मैं जब जाता हूं तो मेरे साथी और भी हैं वो भी चल लेंगे कि आपके साथी कौन कौन है टोटा दुख तकलीफ बदनामी ये सब मेरे दोस्त हैं जहां भी मैं जाता हूं मेरे साथ चलते हैं लेगा टोटा ने दुख ने बदनामी ने कौन उठे लेकिन गुरु जी ने झोली कर ली निबला सारे मेरी झोली में गाल दो निबला भाई मैं बीमार रहता हूं मेरी बीमारी भी गल चलेगी निबला या भी दे दो दादा गुरु के सांस का रोग था निमोनिया बिगड़ा गुरु जिया ने उसे दिन वह बीमारी ले ली थी लक्ष्मी चंद का उठा करती वाह खांसी दे गया मणिलाल दस दिन मेरे के 16 राशि दे गया तो उसे दिन तक अपने गुरु जिया के खांसी गल बनी गई थी और वो निमोनिया चालू हो गया था घर इतना आया इतना टोटा है लिया 12-14 किलो का जिम्मेदार खान के दाने नहीं होते खेत में मैस लिया श्याम ने लिया तड़के मरी पावे पूरा परिवार बीमार
दाने खाने के नहीं रहे, बुरा हाल बन गया, लेकिन खटक थी। निबला कड़े लग चाल, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मरते दम तक भी नहीं छोड़ूंगा, बस वादा हो लिया। अब तो कई साल इतनी तपस्या करी लेकिन बाबा का नाम नहीं छोड़ा। ये तो नहीं कहते मैं किए फायदा कट रहा तो फिर खाम खा का ठेले सर छोटे टाबर तेरा बयान हो रहा है। भगवान परीक्षा ले लेता है लेकिन आखिर में जीत भगत की होती है। पांडवों ने कौरवों ने जोर मार लिए लेकिन द्रौपदी नगन होने नहीं पाई, क्योंकि जीत भगत की होती है। कह दो जय बाबा की। आइए।